मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन योर सब्जेक्ट साइंस. ओके, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर 4, आवर डिस्ट्रिक्ट. ओके, लेट्स लर्न मोर अबाउट आवर डिस्ट्रिक्ट. हियर द टेबल. ओके, देर आर 4 कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम हेड इज प्लेस ऑफ फेयर. Next column is the day or the festival on which the fair is held or organized. Okay. Second, third one is whether the fair is held at any pilgrim's place. Answer in yes or no. In which English month is the fair organized? Okay. कौन से English month में होता है जो जहाँ पे fair हो रहा है वो कोई pilgrimage place है. ओके, और फेस्टिवल कब होता है, मतलब कोई स्पेशल डे पे, वो हमें बताना है. और कौन सा फेयर है, कहाँ पे फेयर होता है, पहले तो वो. चलो, तो पहला हम लिखेंगे राजकोट. ओके, राजकोट में ही जो बड़ा मेला लगता है उसके बारे में हम लिखेंगे. तो द डे ऑफ फेस्टिवल कब होता है, तो राजकोट में बड़ा मेला होता है जन्माष्टमी का. ओके, वो कोई राजकोट जहाँ पे जन्माष्टमी का मेला लगता है वो कोई पिलग्रिमेज प्लेस है? नो, बराबर. वो राजकोट प्रॉपर राजकोट नहीं है कोई पिलग्रिमेज प्लेस. ओके, इन विच इंग्लिश मंथ इज फेयर ऑर्गेनाइज्ड, तो मोस्ट ऑफ इन अगस्त मंथ. ओके, ज़्यादातर अगस्त में होता है, या तो सितंबर के एंड में या तो अगस्त में, मोस्टली अगस्त में होता है. चलो, नेक्स्ट प्लेस ऑफ फेयर, अब लेते हैं वीरपुर. ओके, तो वीरपुर में होता है जलाराम जयंती के दिन. ओके, तो जलाराम जयंती के दिन होता है, तो फेयर क्यों है, कोई पिलग्रिमेज प्लेस है? यस, वो है, यात्रा का स्थल है, राइट. विच इंग्लिश मंथ इज फेयर ऑर्गेनाइज, मोस्टली देखो आफ्टर कार्तिक में 7th डे पे जलाराम जयंती सेलिब्रेट होता है, तो वो मोस्टली नवंबर में आता है. ओके, चलो, तो इन नवंबर. नेक्स्ट उर्स, उर्स का मेला लगता है, राइट. तो इट्स ऑर्गेनाइज्ड इन अ, कोई उसका डे फिक्स नहीं होता है, राइट, क्योंकि वो जो ख्वाजा शरीफ की दरगाह है वहाँ पे सेलिब्रेट होता है, तो वो मंथ में होता है, राइट. चलो, वेदर द फेयर हेल्ड एट एनी पिलग्रिमेज प्लेस, यस. तो मैंने अभी बोला ना कि ख्वाजा साहिब की दरगाह है वहाँ पे होता है, और धोराजी में, कहाँ पे होता है, राजकोट का धोराजी जो है सिटी, वहाँ पे उसका मेला लगता है, राइट. चलो, तो वो पिलग्रिमेज प्लेस भी है, राइट. नेक्स्ट, कौन से मंथ में होता है, तो वो भी अक्टूबर या नवंबर में होता है, मोस्टली अक्टूबर में होता है. ओके, अक्टूबर के मंथ में लगता है. चलो, डिस्कस विच टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इज सीन इन द फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन योर डिस्ट्रिक्ट. कौन कौन सी डाइवर्सिटीज दिखती है आपको, तो डिफरेंट फेयर्स आर हेल्ड ऑन अ डिफरेंट डेट एंड डिफरेंट मंथ्स. हमने देखा ना कि सब अलग जो फेयर होते हैं वो अलग मंथ में और डेट्स के हिसाब से सेलिब्रेट होते हैं. ईच फेयर इज कनेक्टेड टू द डिफरेंट फेस्टिवल, बराबर, अलग अलग फेस्टिवल से वो जुड़े हुए हैं. ईच फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड एट अ डिफरेंट प्लेस, बराबर, अलग अलग प्लेस में ऑर्गेनाइज होते हैं. डिफरेंट फेयर्स आर डेडिकेटेड टू द डिफरेंट गॉड्स, अलग गॉड के ऊपर फेयर्स होते हैं. अभी हमने देखा ना कि वीरपुर तो जलाराम जयंती, उर्स का मेला तो ख्वाजा शरीफ. ओके, तो उनके
अलग अलग गॉड्स के हिसाब से फेयर सेलिब्रेट होते हैं, राइट? वॉट काइंड ऑफ मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट आर फाउंड इन द फेयर? ओके, फॉर एंटरटेनमेंट, क्या क्या एंटरटेनमेंट होता है फॉर फेयर में, हमें क्या मज़ा आता है? क्योंकि फेयर जो होते हैं मोस्टली एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, कि वहाँ पे हम एंजॉय कर पाते हैं, राइट? फेयर, ये देखो एक ऐसा विचार रखा गया कि फेयर होने चाहिए, अगर फेयर नहीं होंगे ना तो सब लोग एंजॉय क्या करेंगे, सिर्फ रोज की रूटीन लाइफ से बोर हो जाते हैं हम दोनों लोग, राइट? और हमारा माइंड डेवलप नहीं होता है, तो फेयर से हमें थोड़ा ब्रेक मिलता है और हम फ्रेश हो जाते हैं, राइट? तो फॉर एंटरटेनमेंट देर आर स्विंग्स, म्यूजिक, फोटो स्टूडियोज होते हैं ना फेयर में, फोटोज होते हैं, कुछ डांस शोज, ओके, वेल ऑफ डेथ, वो मौत का कुआं नहीं होता, फेटल राइड बोलते हैं उसे, मैजिक शोज, सर्कल्स आर अवेलेबल इन द फेयर, राइट? तो ये सब होता है. टिक द एप्रोप्रिएट ओकेशंस अकॉर्डिंग टू द लिस्ट गिवन. चलो, कौन से ओकेजन में आप क्या करते हैं? चलो, वेडिंग कार्ड्स किस में होते हैं? फेयर में, कि वेडिंग सेरेमनी में, तो ऑब्वियस वेडिंग सेरेमनी में ही वेडिंग कार्ड्स होते हैं, राइट? फेटल राइड, फेटल राइड मतलब मैंने बोला ना, वेल ऑफ डेथ, वो मौत का कुआं, कुएं जैसा होता है और उनके अंदर बाइक्स और कार्स चलाते हैं, उसे फेटल राइड बोलते हैं. तो वो कहाँ पे होता है? इन अ फेयर, फेयर में होता है, वेडिंग में नहीं होता है. फ्लावर पिन, तो ये सब वेडिंग्स में होते हैं, ओके. ढोलक, तो ढोलक कहाँ होते हैं? वो भी वेडिंग में. स्वीट्स, दोनों जगह पे, फेयर में भी होते हैं, राइट? वहाँ पे भी कुछ मिठाई वगैरह की दुकान होती है, और वेडिंग में तो मिठाई होती ही है, ओके. नाउ ओपन नेक्स्ट पेज. चलो, देर आर डिफरेंट कम्युनिटीज इन योर डिस्ट्रिक्ट, ओके. दे ऑल अर्न देयर लाइवलीहुड थ्रू डिफरेंट ऑक्यूपेशंस. ऑब्वियस है, देखो हमारी डिस्ट्रिक्ट कितनी बड़ी है, तो वहाँ पे अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और सब अपने अपने वर्क के हिसाब से मनी अर्न करते हैं, राइट? मोस्ट पीपल यूजुअली रन देयर बिजनेस स्टेइंग एट वन एट द सेम प्लेस. सम प्लेस पीपल हैव टू वेंडर डेली फॉर द ऑक्यूपेशंस एंड लाइवलीहुड. देखो, कोई एक जगह पे रह के अपना बिजनेस करते हैं, कोई अलग अलग जगह पे रोज जाते हैं, राइट? जाते हैं ना अलग अलग गांव में, ऐसे घूमते हैं, तभी वो कुछ अर्न कर पाते हैं. सो राइट अबाउट दिस, देयर लिव्स नोमेडिक ट्राइब्स इन आवर डिस्ट्रिक्ट, ओके. कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लाइफ ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल फ्रॉम द एल्डर्स ऑफ विलेज, ओके. तो उसमें से कुछ ऐसे भी होंगे कि ट्राइब्स वगैरह, ओके, मतलब कि आदिवासी ऐसी कोई जगह होगी, उन ऐसे लोग होंगे, तो उनके सब के बारे में आपको लिखना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ओके. गांव के लोगों से पूछना है, ओके, देन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट इट. चलो, नेम ऑफ कम्युनिटी, पहले तो अलग अलग कम्युनिटी की, पहले कौन सी कम्युनिटी लेंगे, तो कि फार्मर्स, तो फार्मर्स में देखो सब आते हैं, इसलिए हमने पहले फार्मर्स लिए हैं, राइट? क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो हम बोलते हैं ना, पटेल्स, बराबर, राजपूत, सब जो शेफर्ड होते हैं, वो सब सब लोग फार्मिंग करते हैं. तो ऑक्यूपेशंस, उनके ऑक्यूपेशन क्या है, तो के फार्मिंग. अब उनके कॉस्ट्यूम्स, तो कॉस्ट्यूम क्या क्या पहनते हैं वो, राइट?
तो कि वुमेन क्या पहनती है, तो कि साड़ी, ओढ़नी, ओके, ब्लाउज एंड घाघरा, मतलब वो ऐसे बोलते हैं ना, अलग अलग होते हैं वुमन के, तो ये सब पहनते हैं, राइट? कोई ओढ़नी डालते हैं, कोई साड़ी पहनते हैं, बराबर। और मेन क्या पहनते हैं, तो कि मेन देखो कुर्ता पहनते हैं, ओके, और कुर्ता पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, ओके, या तो चप्पा पहनते हैं, चप्पा या कुर्ता ऐसे पहनते हैं। चलो फूड, फूड क्या ईट करते हैं, तो नॉर्मली हम कौन से फूड ईट करते हैं, तो सब बाजरा, रोटी, ओके, बाजरा का रोटला जिसे हम बोलते हैं ना वो, ओके, सम वेजिटेबल्स, बटर मिल्क, ये सब ज़्यादा खाते हैं, ओके, एंड दैट टूल्स एंड मीन्स, क्या क्या टूल्स यूज करते हैं, तो कि प्लाव, हल, राइट, स्पेड और ट्रैक्टर्स, ये सब ज़्यादा वो उसको ज़्यादा प्लाउज और स्पेड वो सब चाहिए, बराबर ना, पावड़ा वो सब बोलते हैं ना ऐसे। चलो नेक्स्ट है मेमन, बराबर। तो वो क्या करते हैं, तो वो अलग अलग जगह पे बिजनेस करते हैं, उनके अलग अलग बिजनेसेस होते हैं। वुमन क्या पहनती है, तो कि बुरखा, ओके, और पंजाबी ड्रेस। और जेंट्स क्या पहनते हैं, मेन, तो मेन पहनते हैं चप्पा और क्या पहनते हैं, लहंगा, ओके, चप्पा, लहंगा, ये सब पहनते हैं ज़्यादा। और ईट क्या करते हैं, तो कि देखो दाल, रोटी, ओके, और ये सब स्वीट्स, फिर कुछ फिश, नॉन वेज, ये सब, एग्स वगैरह, राइट। और नेक्स्ट क्या लेंगे हम, ग्रुप्स ऑफ लेबर वर्क, यहाँ पे कुछ लेबर्स भी हैं, तो देर लेबर इन द फील्ड, खेतों में काम करते हैं, लेबर इन द सम इंडस्ट्रीज, ओके, तो उनकी वुमेन क्या पहनती है, तो कि साड़ी, ब्लाउज, चनिया, ये सब। और जेंट्स क्या पहनते हैं, पैंट, शर्ट, ओके, ये सब। और ईट क्या करते हैं, तो कि रोटी, वेजिटेबल्स, बटर मिल्क। और टूल्स क्या यूज करते हैं, तो कि वॉट एवर देयर रिक्वायर्ड, जो उनके हिसाब से काम होता है वो, अगर कोई मशीन का काम कर रहा है तो वो ऐसे कुछ चीज़ें यूज करेंगे, राइट, कोई जो पोटर है तो वो कुछ ऐसे वर्क करेंगे, राइट, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट उनके वर्क टूल्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट, अब कौन सी कम्युनिटी होंगी, तो लेबर्स आ गए, फार्मर्स आ गए, तो कुछ पुजारीज भी हैं, ओके, तो उनका ऑक्यूपेशन क्या है, तो कि वर्शिपिंग गॉड इन टेम्पल, बराबर। तो उनकी लेडीज क्या पहनती है, तो कि साड़ी, ब्लाउज, चनिया, यही ज़्यादातर मोस्टली पहनते हैं, राइट। और मेन क्या पहनते हैं, तो कि चप्पा, धोती और शोल्डर क्लॉथ, उनके शोल्डर पे ऐसे क्लॉथ होता ही है, राइट। फूड क्या खाते हैं, तो कि रोटी, वेजिटेबल्स, दाल, राइस, ये सब। और देयर टूल्स, वो टूल्स क्या रखते हैं, तो कि इक्विपमेंट्स यूज्ड इन द वर्शिप गॉड, जो पूजा के लिए जो चीज़ें यूज होती हैं, राइट, बेल्स, दिया वगैरह, ऐसी सब चीज़ें, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट पीपल लिव इन अवर डिस्ट्रिक्ट एंड देयर ऑक्यूपेशंस, बराबर, क्या क्या ऑक्यूपेशंस करते हैं हमारी कंट्री में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।